भारत के नदन स्टेट उत्तराखंड में करीब 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसी प्रोजेक्ट को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, उत्तराखंड हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी स्टेट है। इन्हें चार धाम या मिनी चार धाम कहा जाता है। इंडियन गवर्नमेंट का यह प्रोजेक्ट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया से होकर गुजरता है। इसके कारण एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि प्रोजेक्ट जल्दबाजी में बनाया जा रहा है, जिसके कारण ऐसा लॉस होगा जिसे सुधारा नहीं जा सकेगा। एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि नेचर ऑलरेडी बढ़ते लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स के द्वारा वार्निंग साइंस दे रहा है। खैर, ये प्रोजेक्ट चार धाम पर जाने वाले उन लाखों पिलग्रिम्स और विजिटर्स के लिए तो अच्छा रहने ही वाला है, पर देश की सिक्योरिटी के लिए भी ये स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का माउंटेन रीजन चाइना के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। इन रोड्स को मिलिट्री यूज में भी लाया जाएगा, इसलिए प्रोजेक्ट को लेकर देश की टॉप कोर्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। नवंबर 10, 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अटर्नी जनरल से कहा कि यहाँ डिफेंस वर्सेस एनवायरनमेंट का कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, आपको दोनों कंसर्न्स को बैलेंस करना होगा। और ये रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या गवर्नमेंट एनवायरनमेंट नीड्स के लिए डिफेंस नीड्स को इग्नोर कर सकती है। अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने नवंबर 12, 2021 को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि गवर्नमेंट को देश का डिफेंस करना है और उसके लिए हमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स और बाकी मशीनरी बॉर्डर तक लेकर जाना है। ऐसे में वाइड रोड्स की जरूरत है और सिक्योरिटी के लिए हमें वो करना पड़ेगा जिसकी जरूरत है। वेणुगोपाल सेंटर की ओर से वाइड रोड्स की मांग करते हुए आर्गू कर रहे हैं। हियरिंग फिलहाल जारी है। लेकिन दोस्तों, ये ओवरऑल डिबेट है किस कारण, क्यों चारधाम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट और स्ट्रेटजिक इश्यूज के बीच आकर अटक रहा है। चलिए समझते हैं। हम शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट के इंसेप्शन के साथ। इसके बाद हम एनवायरमेंटल कंसर्न को देखते हुए समझेंगे कि इंडिया के डिफेंस में क्यों ये रोड जरूरी नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। चारधाम सर्किट दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। इसमें 12,000 करोड़ रुपीस बजट का हाईवे एक्सपेंशन किया जाना है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसमें 889 किलोमीटर हिल रोड्स को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के मुताबिक वाइडन करना था। ये सर्किट बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को लिंक करेगा, जो हिंदू धर्म में क्रूशियल पिलग्रिमेज है। दिसंबर 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट के फाउंडेशन स्टोन ले करते हुए इसे उन लोगों के लिए ट्रिब्यूट कहा था जिन्होंने स्टेट में आए फ्लैश फ्लड्स में अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों, उत्तराखंड ट्रेजेडी तो हम सभी को याद ही है। 2013 में फ्लैश फ्लड्स आए थे, इसमें हजारों लोग घायल हुए और सैकड़ों पिलग्रिम्स की जान गई थी। ऐसे में चार धाम नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी प्रोग्राम नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ये प्रोजेक्ट 2019 तक कंप्लीट होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस डिले के पीछे कोविड-19 के साथ साथ लीगल बैटल्स और एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि 2013 के फ्लड्स हिमालयन रीजन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बर्डन के कारण ही हुए थे। ऐसी घटनाएं उस रीजन में हो रहे कंस्ट्रक्शन के कारण हो रही हैं, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि उसे डिफेंस और पिलग्रिमेज को देखना है। इस प्रोजेक्ट के बड़े प्रभावों में से एक है डिफॉरेस्टेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन रोड्स के लिए 33,000 से लेके 43,000 ट्रीज काटे जाने हैं। 2015 से 2017 के बीच उत्तराखंड में केवल 23 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है और प्रोजेक्ट के कारण काटे जा रहे पेड़ों को इस रेट पर वापस पाने में 45 साल लग सकते हैं। ऐसे फॉरेस्ट लॉस के कारण प्रोजेक्ट जोन में प्लांट और एनिमल पॉपुलेशन को मेंटेन करने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इन कारणों को देखते हुए रोड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को 2018 में एक एनजीओ ने चैलेंज किया था। पेड़ों के कटने, हिल्स के कटने और रोड कंस्ट्रक्शन से हिमालयन इकोलॉजी को होने वाले पोटेंशियल डैमेज को लेकर एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सिटीजंस फॉर ग्रीन दून नाम के इस एनजीओ की पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमिटी यानी HPC का गठन किया, जो एनवायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा के अंडर इश्यूज को एग्जामिन करने वाली थी। जुलाई 2020 में कमेटी ने दो रिपोर्ट्स कोर्ट में सबमिट की थी। सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने HPC के माइनॉरिटी रिकमेंडेशन को कायम करते हुए कहा कि 5.5 मीटर चौड़ाई का कैरिज वे होगा, जिसमें 1.5 मीटर का रेस फुटपाथ शामिल होगा। फुटपाथ का मेंशन मार्च 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए किया गया था।
सरप्राइजिंगली इन दो रिपोर्ट्स में से एक मेजॉरिटी रिपोर्ट थी जिसे 21 एचपीसी मेंबर्स ने सपोर्ट किया था। इस 21 मेंबर्स में से 14 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिन्होंने 12 मीटर की चौड़ाई वाले डबल लेन नेशनल हाईवे का सपोर्ट किया था। ज्यादा चौड़ा रोड, एडिशनल स्लोप कटिंग, ब्लास्टिंग, टनल कंस्ट्रक्शंस, डंपिंग और ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करने से बनता है जो हिमालयन रीजन को ज्यादा डिस्टेबलाइज कर लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स के चांसेस बढ़ा सकता है। दोस्तों, हाई पावर्ड कमेटी यानी एचपीसी ने प्रोजेक्ट में मेजर इश्यूज पाए थे। एचपीसी चेयरमैन रवि चोपड़ा ने अगस्त 2020 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कानूनी मापदंडों के घोर उल्लंघन की बात की थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि ऐसा लगता है कि कोई रूल ऑफ लॉ यहां लागू ही नहीं हो रहा है। इसमें कई बिंदुओं पर बात की गई थी। चोपड़ा ने कहा था कि काम बिना वैलिड परमिशन के हो रहा है। 2017 से 18 के बाद से 250 किलोमीटर स्ट्रेच पर पेड़ इलीगली काटे जा रहे हैं। इस लेटर में उन्होंने यह भी कहा कि पुराने क्लियरेंसेस को मिस इश्यू किया जा रहा है। जो काम शुरू है वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2002 से 2012 के बीच लिए गए फॉरेस्ट क्लियरेंस पर जारी है। एचपीसी चेयरमैन ने कहा कि ये इलीगल है और रेगुलेशन के पर्पस को खत्म करता है। इसके साथ ही साथ हिल कटिंग में निकल रहा पत्थर आदि NH-125 के स्लोप से सीधे नीचे फेंके जा रहे हैं जो इन्वायरमेंट के लिए और लोकल हैबिटेट के लिए एक सीरियस थ्रेट है। इसके अलावा फॉल्स डिक्लेरेशन का भी मुद्दा मेंशन किया गया है। चोपड़ा ने कहा कि करीब 200 किलोमीटर के स्ट्रेच पर पेड़ों और पहाड़ों को काट कर कचरा फेंकना उन झूठे डिक्लेरेशन पर बेस्ड है जिसमें बताया गया है कि ये स्ट्रेच केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जैसे इको सेंसिटिव जोन में नहीं पड़ते हैं। इस प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स का भी वायलेशन की बात की है। स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रैल 2019 के एक एफिडेविट में कहा था कि बिना सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के ये काम शुरू नहीं होगा, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 50 किलोमीटर के स्ट्रेचेस में काम जारी है। दोस्तों, प्रोजेक्ट इन सभी इश्यूज में फंसने होने के बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सपोर्ट गैदर कर रहा है। एमओडी ने सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली अपील की है कि उन्हें आर्मी की रिक्वायरमेंट के लिए डबल लेन रोड चाहिए जो 7 मीटर कैरिज अवे के साथ 8-10 मीटर ओवरऑल विड्थ का हो। ये प्रोजेक्ट यूं तो चार धाम यात्राओं के लिए और टूरिज्म के लिए शुरू किया गया था, पर इसके साथ हमेशा से एक स्ट्रेटजिक एंगल जुड़ा हुआ है क्योंकि चाइना बॉर्डर नजदीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण ट्रूप्स मूवमेंट जरूरी है और उसके लिए हाईवे जरूरी है, इसलिए अचानक डिफेंस का एंगल इस रोड को चौड़ा करने का एकमात्र जस्टिफिकेशन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट को अटर्नी जनरल ने कहा कि अक्टूबर में चाइना ने अपनी सोवरेनिटी और बॉर्डर एरिया प्रोटेक्शन को लेकर लॉ पास किया है जिसके कारण हम कंसर्न है। उन्होंने कहा कि ऐसे में चार धाम सर्किट स्ट्रेटजिकली क्रूशल है ताकि 1962 चाइना वॉर जैसी स्थितियां फिर से ना बन जाएं। खैर, इन सभी इश्यूज पर सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 8, 2021 से डेली हियरिंग शुरू की है। मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। डिफेंस साइड का कहना है कि रोड जितना चौड़ा होगा डिफेंस डिप्लॉयमेंट और सप्लाईज उतनी तेज होंगी, लेकिन हिमालयन रीजन में रोड चौड़ा करने का रिस्क सीरियस है। हाई पावर्ड कमेटी ने ये आर्गुमेंट भी किया है कि ऐसा रोड जो डिजास्टर से बचा हुआ हो ज्यादा क्रिटिकल रोड होगा, जबकि ऐसा रोड जो चौड़ा है पर बार बार ब्लॉक होता रहे कुछ काम का नहीं है। एचपीसी ने कहा कि देश के डिफेंस के लिए हिमालयन हाईवेज मीडियम चौड़ाई के होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बात पर एनजीओ के काउंसिल ने कहा कि रिसेंटली चाइना बॉर्डर के पास पिथौरागढ़ में 3 घाटियां 2 महीने के लिए लैंडस्लाइड के कारण बाहरी दुनिया से कट हो गई थी। एनजीओ ने कहा कि इन सिचुएशंस के लिए आर्मी और सिविलियंस को सेफ और रिलायबल रोड्स चाहिए, ना कि ऐसे रोड्स जो ब्लॉक होते हैं। फिलहाल दोनों पार्टीज ने नवंबर 12, 2021 को अपने आर्गुमेंट्स कंक्लूड किए हैं। एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2020 वाले ऑर्डर को गवर्नमेंट द्वारा ना मानने वाली बात अंडरलाइन की है। गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने दिसंबर में हिल रोड्स के लिए गाइडलाइंस रिलैक्स की थी। एनजीओ इसी स्टेप को रिफर कर रही थी। जजमेंट लीगल फ्रेमवर्क में बैलेंसिंग बोथ कंसर्न्स के लिए बेंचमार्क जजमेंट साबित हो सकता है जो प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेटजिक जरूरतों के बीच एक लाइन खींच सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट के डिबेट की कहानी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।